उनको यही कहना चाहूँगी कि डरना नहीं चाहिए, मतलब रक्तदान एक अच्छे मतलब खून दान करोगे तो अच्छा ही होएगा। अगर रक्तदान कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पहली बार रक्तदान किया है? कोई डर वगैरह नहीं लगा? तो क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे कोई डरते हैं रक्तदान के लिए? डरते हैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि डरना नहीं चाहिए, मतलब रक्तदान एक अच्छे मतलब खून दान करोगे तो अच्छा ही होएगा। अगर हम किसी के लिए दान करते हैं तो वो एक पुण्य ही है, इसलिए पुण्य करना चाहिए सबको। सर, आप रक्तदान करने आए हैं यहाँ पर, आपने कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? मैं 36 बार रक्तदान कर चुका हूँ, पहले ये 37वीं बार था। तो सर, जैसे आजकल लोग रक्तदान करने से डरते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि एक आदमी एक बार रक्तदान करता है तो वो 3 जिंदगियों का बचाता है, तो रक्तदान करते हुए हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमें रक्तदान बार बार करना चाहिए। जो लोग डरते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान में डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि, और रक्त वो अंदर पड़ा पड़ा भी सड़ता रहता है, यदि हम रक्तदान करते हैं तो हम अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। नहीं होगी किसी को ना, मैं जो बड़े ट्राले का है किसी भी जिला में खड़ा था। सर, आपने इससे पहले भी रक्तदान किया है? कितनी बार कर चुके हैं आप? मैं सर 3-4 बार कर चुका हूँ। 3-4 बार कर चुके। कोई तो जैसे लोग रक्तदान करने से डरते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये कहते हैं जी, ये सबसे बड़ा दान है जी, दान के साथ साथ अगर आप ये दान करते हैं ना जी, अपना शरीर भी ठीक रहता है जी, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती जी। ठीक है सर। आप देख रहे हैं सुहाना ब्रेकिंग न्यूज़, क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।